यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये CBSE की तरफ से कितना बेहतरीन स्टेप लिया गया है और इसको हमें अप्रिशिएट ही करना चाहिए। सबसे पहली बात, MCQ बेस्ड एग्जाम है तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर ज़्यादा फोकस रहेगा रादर देन कैलकुलेटिंग द करेक्ट आंसर। मतलब आप एक बड़ा सा क्वेश्चन लेकर 8 मार्क्स का क्वेश्चन करते थे और आपका लास्ट में आंसर सही आता था और सही नहीं आता था और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाया करता था। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि टर्म वन और टर्म टू करने से फ़ायदा क्या होगा और हमारे लिए एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन किए जाएंगे। सबसे पहली बात, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप कि अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है और 10 किलो वजन लेकर चलना है सर पर, और आपसे बोला जा रहा है जब 10 किलोमीटर कंप्लीट होंगे तभी आपको शील्ड प्राइज़ या ट्रॉफी मिली जाएगी या फिर आपको पता करा जाएगा आप रेस में फर्स्ट आए हैं या सेकंड आए, बट इससे कुछ स्टूडेंट तो चलना ही नहीं चाहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एक कि अगर आपको सिर्फ 5 किलोमीटर चलना है 5 किलो वजन के साथ और आपको बता दिया जाएगा कि आपने ये जीता है या आप रेस में इस नंबर पर आए हैं, आफ्टर दैट आपको फिर दोबारा रेस स्टार्ट कराई जाएगी और फिर 5 किलोमीटर के लिए चलना है और 5 किलो वजन के साथ, तो मुझे लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। कारण बहुत सिंपल सा है कि हमें एक समय पर हमें खुद को मॉनिटर करना चाहिए या कोई हमें मॉनिटर कर बताए कि हम कहाँ पर हैं। तो इस वाले पैटर्न से मुझे तो लगता है CBSE ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। इसी के साथ हमने संडे लाइव टेस्ट सीरीज जो कि पिछले 1 महीने से रेगुलरली चल रही है, हर संडे को आपको 2 बजे या 3 बजे एग्जाम एक टेस्ट अपलोड किया जाता है टॉपिक वाइज, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेस्ट की कोई भी एडिशनल फीस नहीं ली जा रही है, बस आपको जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड करना है और संडे टेस्ट सीरीज में अपने आप को रजिस्टर करना है। इस वीडियो पर हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानेंगे कि CBSE के इस नए पैटर्न में क्या सिर्फ अच्छाइयाँ हैं या कुछ ड्रॉबैक्स भी शामिल हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपके और क्या क्या सवाल है जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में और ज़्यादा हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।